तो दोस्तों जानेंगे आज ऑफ्लोक्सासिन सॉल्ट के बारे में। इस सॉल्ट में जो बच्चों की सिरप आती है 50 mg और 100 mg उसके बारे में जानेंगे भाई। ये ऑफ्लोक्सासिन जो सॉल्ट होता है तो ये पीडियाट्रिक जो डॉक्टर होते हैं छोटे बच्चों के वो क्यों देते हैं, छोटे बच्चों में कौन सी प्रॉब्लम होने पर ये काम आता है, इसकी कितनी मिलीग्राम कितने बड़े बच्चे में दी जाती है, इनकी कितनी डोज होती है, प्राइस क्या होती है, कौन सा ब्रांड मिलेगा, सब कुछ जानेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों ऑफ्लोक्सासिन क्या होता है, एक एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक। जाहिर सी बात है ये एंटीबायोटिक तभी दी जाती है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बच्चों में क्या कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कई तरीके के होते हैं, जैसे कि जुकाम में हो सकता है लंग्स में हो जाए या यूरिन में हो सकता है, बच्चे के कई बार आंत में भी इन्फेक्शन हो जाता है या हड्डी वगैरह में, ब्लड में, कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। लेकिन ये हर तरीके के इन्फेक्शन में ऑफ्लोक्सासिन काम नहीं आता है। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑफ्लोक्सासिन काम आता है और कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर दूसरी एंटीबायोटिक काम आती है। फॉर एग्जाम्पल एमोक्सोसिलिन या साथ में पोटेशियम आ गया, या दोस्तों आपको सेफोडोक्सिम हो गई। तो ये अलग अलग क्लास होती हैं एंटीबायोटिक की, अलग अलग प्रॉब्लम में दी जाती है। लेकिन ये जो ऑफ्लोक्सासिन है ना, ये थोड़ा इनसे अलग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब ये कहाँ चलेगा? देखिए ये कहाँ नहीं चलेगा पहले जान लेते हैं। ये वायरल में नहीं चलेगा, वायरल है बच्चे के फ्लू है या बच्चे के कोल्ड है, वहाँ ये काम नहीं करता है ऑफ्लोक्सासिन, ठीक है। ये डॉक्टर इसको कौन सी प्रॉब्लम देंगे, जैसे कि दोस्तों कोई लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाए बच्चे की, वहाँ दिया जा सकता है। बच्चे के कोई जॉइंडिस हो जाए पीलिया, तो पीलिया में सीधा नहीं दिया जाएगा, बाद में जब पीलिया ठीक हो जाएगा बाद में डॉक्टर इसको दे सकते हैं। अब ये पीलिया के अंदर लास्ट में क्यों देते हैं, इस पर कभी दूसरा वीडियो बनाएंगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो लंग्स में इन्फेक्शन है वहाँ दिया जाएगा। दूसरा दोस्तों, कई बार क्या है कि बच्चे के आंत में यानी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि बच्चे की वोमिटिंग नहीं रुकती है और दस्त लग जाते हैं, तो वहाँ दिया जा सकता है। इनके अलावा कोई बच्चे के यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, यूरिन इन्फेक्शन यानी यूटीआई इन्फेक्शन, वहाँ दिया जा सकता है। इनके अलावा भी दिया जा सकता है, लेकिन ये तीन सबसे मेन है जहाँ पर ऑफ्लोक्सासिन सबसे बढ़िया काम करता है, दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो अगर बच्चे की अगर वोमिटिंग आ रहा है और वोमिटिंग की मेडिसिन देने के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद वोमिटिंग नहीं रुक रहा है, तो फिर डॉक्टर लास्ट में एंटीबायोटिक देंगे वोमिटिंग को रोकने के लिए, क्योंकि आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों डायरिया, अगर बच्चे की डायरिया हो गया है और डायरिया नहीं रुक रहा है नॉर्मल दवाइयों से, तो एंटीबायोटिक या पहले भी दे सकते हैं साथ में, ठीक है। या इनके अलावा अगर बच्चे की यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन कर रहा है बच्चा बार बार में जा रहा है, बूंद बूंद करके आ रहा है यूरिन, और बच्चा रोता है जब यूरिन करता है, तो यूरिन में जो पाइपलाइन होती है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन बैक्टीरिया को मारने के लिए ये ऑफ्लोक्सासिन काम आता है। ये 50 mg मिलता है, 100 mg मिलता है, इसके अंदर कई सारे ये सॉल्ट है, इसमें ब्रांड बहुत ज़्यादा आते हैं। एक काफ़ी फेमस आता है ओफ्लोमेक काफ़ी चलता है, जल्दी से डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी कर देते हैं। मेगलियोट्स कंपनी का आता है और भी दोस्तों ओफ्लोक्स आता है, सिप्ला का आता है, कई तरह के और भी आते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वही लेना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का लेना चाहिए और कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है। अब 50 mg और 100 mg कितने कितने बड़े बच्चे में दिया जाएगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, कितने बड़े बच्चे में भी दिया जा सकता है। 50 mg जनरली 1 ईयर से लेके या 9 मंथ से लेके 2 ईयर तक के बच्चों में चलता है, और ये ज़्यादातर 1 ईयर से लेके और 4-5 साल तक के बच्चों में दिया जा सकता है, इसे बड़े बच्चों में चल सकता है, और बड़े लोगों में 200 mg में आता ही है ऑफ्लोक्सासिन। तो दोस्तों ऑफ्लोक्सासिन कोल्ड वायरल फ्लू में नहीं काम करता है, ये ज़्यादातर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, आंत में, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ बढ़िया काम करता है। तो हर एंटीबायोटिक का एक एरिया होता है जहाँ पर डॉक्टर अपने हिसाब से देते हैं, हाँ कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना। तो यहाँ तक वीडियो देंगे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।